हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। हमने डिग्री के बारे में अभी नहीं पढ़ा है ना, डिग्रीज ऑफ अ पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, एक बार रिकॉल करवा देती हूँ मैं वो। तो डिग्रीज क्या होती है, अगर मैं ये एक एग्जाम्पल लूं, एक्स प्लस वन कुछ भी, ओके तो डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक्स टू द पावर जीरो है, एक्स टू द पावर जीरो या किसी का भी पावर अगर हम जीरो लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन। तो ये वन इंटू वन इज वन, इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। वैसे हम डिग्री देख रहे हैं और हाईएस्ट पावर देखना है हमें, तो एक्स का पावर यहाँ पे क्या है, जीरो, यहाँ पे क्या होगा वन, यहाँ पे क्या हुआ टू, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना हुआ टू, तो ये क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री होगा, डिग्री क्या होगा टू होगा। ओके, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लू, सेवन म्यू टू द पावर सिक्स माइनस फाइव म्यू टू द पावर फोर, थ्री बाय टू म्यू स्क्वायर माइनस म्यू प्लस एट, तो इस पे क्या होगा, ये फंक्शन है म्यू के टर्म पे, ठीक है। अब इसका डिग्री में पूछ रही हूँ, डिग्री में तो हाईएस्ट पावर पूछ रही हूँ, हाईएस्ट पावर पूछ रही हूँ तो इसका क्या होगा, म्यू टू द पावर जीरो है, ये तो वन है, टू है, थ्री है नहीं, फोर है, फाइव है नहीं, सिक्स, सबसे ज्यादा पावर क्या है, सिक्स है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, सिक्स हो गया, क्लियर है। तो डिग्री का कंसेप्ट आई होप आप सबको क्लियर हो ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब मैंने आप लोगों को बोला है कि ये फॉर्मूला लर्न करो। ये फॉर्मूला है क्या, डिविडेंड होता है वो जिसे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, ओके ये होता है डिविडेंड। यहाँ पे होता है डिविजर, वो होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, और यहाँ पे होता है कोशेंट जो कि मल्टीप्लायर होता है, और नीचे अगर कुछ बच गया तो वो होता है रिमाइंडर। ओके, हमेशा जो डिविडेंड है वो डिविजर से बड़ा होना चाहिए। अभी हमने डिग्री का कंसेप्ट क्यों पढ़ा है, डिग्री का कंसेप्ट इसलिए पढ़ा है कि अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन है तो इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री थ्री है, अभी हम पढ़ चुके हैं, वो डिग्री हाईएस्ट डिग्री, और इधर एक्स प्लस वन या एक्स स्क्वायर प्लस वन हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, लेकिन एक्स टू द पावर फोर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि डिविडेंड की जो डिग्री है वो डिविजर के डिग्री से छोटी नहीं हो सकती है, हमेशा डिविडेंड को ही बड़ा रहना जरूरी है, तभी आप डिवाइड कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिला कि जो डिविडेंड है वो छोटी डिग्री वाला है, छोटा डिग्री है, और जो डिविजर है वो बड़ा है, लाइक यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स क्यूब या एक्स टू द पावर फोर कुछ भी रहा, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले तो ये देखो क्या था हमारे पास इक्वेशन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब इसमें हमको ये देखना है कि क्या पढ़ रहे हैं हम, इसमें इसमें होता क्या है, मैंने ये भी बताया था कि इसमें थ्री जीरोज होते हैं, थ्री जीरोज, अल्फा बीटा एंड गामा, उससे रिलेटेड हमने फॉर्मूलेज भी पढ़े थे, राइट, देखा था, ओके तो क्या होगा अगर मैं आपको जीरोज में से, तीन जीरोज में से मैं सिर्फ एक ही जीरो दूं, सिर्फ एक जीरो के बारे में बताऊं जो कि वो अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, ठीक है, तो क्या आप बाकी दो बचे हुए जीरोस फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट, ठीक है, क्योंकि हमें तो ये पता है कि तीन जीरोस होते हैं, बट हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करके हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन अब हम कैसे करेंगे अगर वो क्या तीन जीरोस की बात होगी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री, ये एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसका एक जीरो पता है कि x इक्वल टू वन या फिर अल्फा इक्वल टू वन बोल दिया मैंने, बोथ आर द सेम, ओके तो एक जीरो पता है कि वन, लेकिन x इक्वल टू वन कब आता है, जब हम x दिस 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 इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, राइट, तो x माइनस वन क्या हुआ, फैक्टर हुआ इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वन ऐसे मिलता है, मतलब हमको क्या पता चला कि x माइनस वन क्या है, फैक्टर है इसके लिए,
ठीक है, इतना पता चल गया. तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. 3x² - x + 3 को डिवाइड करते हैं हम किससे, x - 1 से. डिवाइड क्यों करेंगे, ताकि हमको और एक इक्वेशन मिल पाए जिसको हम इजीली स्प्लिट कर पाए, जो कि हमको क्या मिल पाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल पाएगा. ठीक है, तो अब हमने डिग्री पढ़ा था, इसका पावर कितना है 3 और इसका पावर कितना है 1. अब इसको मेरे को 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर करना पड़ेगा. हमें क्या पता है, x^1 × x² क्या हो जाएगा, x³. क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, एड हो जाती है. पावर्स एड हो गई तो ये क्या हो गया, x³ हो जाएगा. ठीक है, तो हम चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पहले x² से. x² मल्टीप्लाई बाय x कितना हो गया, x³. x² मल्टीप्लाई बाय -1 तो क्या हो गया, ये -x². ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये कैंसिल आउट ही नहीं होगा. तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करते हैं साइन चेंज. तो यहाँ पे माइनस कर दिया तो इधर वाले में क्या हो गया, प्लस. जो ऊपर वाला साइन है जस्ट उसका साइन चेंज करते जाएंगे. ठीक है, साइन चेंज कर दिया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, -3x² - नहीं प्लस x², इधर प्लस है ना, +x² तो ये कितना हो जाएगा, -2x², क्लियर है, -2x², बाकी को एज इट इज लिख देते हैं. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब किससे करेंगे भाई, हम अब किससे करेंगे, -2x² चाहिए. अब -2x² लाने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करें x में, हम मल्टीप्लाई करेंगे x में -2x, तभी तो वो x में मल्टीप्लाई होके -2x² हो जाएगा. तो -2x मल्टीप्लाई बाय x इज -2x² -2x मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -, एंड +2x. क्लियर, फिर से साइन चेंज कर लो, माइनस है तो फिर क्या हो गया, प्लस, इधर प्लस है तो क्या हो गया, माइनस. अब ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये क्या होगा, -x - 2x कितना हो गया, -3x हो गया. तो ये हो गया -3x और ये 3 का एज इट इज उतर गया यहाँ पे, +3. क्लियर है, अब क्या करेंगे, -3x लाना है तो मल्टीप्लाई बाय -3, -3x प्लस -, एंड दिस 3. This will be also cancelled. तो remainder हमको क्या मिला है, 0. Quotient हमको क्या मिला है, x², this is dividend and this is divisor. Clear? अब हम देखते हैं कि equation तो मिल गया हमको quotient में. Quotient में हमको क्या equation मिला है, हमको मिल गया equation x² - 2x - 3, ये मिल गया. और एक क्या पता है हमको, x - 1 पता है हमको पहले से, जो रूट पता हुआ है. ठीक है, रूट मतलब जीरोस. अब इसका हमको जीरोस निकालना है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालने में तो शायद हम माहिर हो ही चुके हैं, है कि नहीं. तो चलो अब इसको डायरेक्टली लिखते हैं जल्दी से, x² 3 × 1. तो इसको अब 3 में स्प्लिट करना है, कैसे करेंगे, 3x + x - 3. एक्स कॉमन ले लिया, x - 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x - 3 x + 1 और ये x - 3. मतलब हमको अब इस इक्वेशन की जगह पे हम ये दोनों वैल्यूज लिख सकते हैं. और ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू में क्या है, x - 1 ऑलरेडी है, x + 1 आ गया और x - 3 भी आ गया. तो तीन रूट्स आ गए हमारे पास उस इक्वेशन के लिए हमारे. तो ये क्या मिल गया, x = 1 मिल गया, ये -1 मिल गया और ये 3 मिल गया. तो अल्फा, बीटा एंड गामा अब हमारे पास है 1, -1 और 3. क्लियर है, दिस इज द 3 रूट्स, इसलिए यूज करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का. लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 2.3. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स. मतलब पी ऑफ एक्स को हमको डिवाइड करना है किससे, जी ऑफ एक्स से. ये ऑफ ऑफ वाला क्या है, p ऑफ x मतलब p एक ऐसा फंक्शन जो x के टर्म पे, g एक ऐसा फंक्शन जो x के टर्म पे. क्लियर, तो हमको क्या पता है भाई, x³ - 3x² + 5x - 3 डिवाइड बाय x² - 2. ठीक है, आपको मैंने डिग्री का भी बता दिया, डिवाइड कैसे करना है ये भी बता दिया है. चलो देखते हैं, अब x³ - 3x² + 5x - 3. क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं ना शायद मैंने, क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर. हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्वोशेंट और रिमाइंडर दोनों फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है.
x क्यूब करना है. अब x क्यूब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज x क्यूब. x मल्टीप्लाई बाय माइनस टू तो क्या हो जाएगा, माइनस टू x. x के नीचे x, x क्यूब के नीचे x क्यूब, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, ऐसे ही करते हुए चलेंगे हम. ठीक है, अब हम साइन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे जरूरत है हमको साइन चेंज करने की. यहाँ पे प्लस प्लस था तो ये माइनस करना पड़ेगा तभी ये कैंसिल आउट होगा. ये एज इट इज रखना पड़ेगा नीचे हमको. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस चेंज किया तो इसके नीचे भी तो चेंज करना पड़ेगा. जिसके जिसके नीचे लिखा हुआ है उसी का बस चेंज करते जाएंगे. जैसे यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर था तो उसको एज इट इज ही रखे हैं. ओके, तो यहाँ पे फाइव एक्स प्लस टू एक्स कितना हो गया, प्लस सेवन एक्स हो गया और ये माइनस थ्री हो गया. क्लियर. अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम क्या, यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है तो अब क्या करें, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दें. माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सिक्स. क्लियर, तो ये कितना हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. इसका साइन चेंज करो, इसका भी साइन चेंज कर लिया, ये कैंसिल आउट हो गया. बचा क्या, सेवन एक्स और ये माइनस माइनस का माइनस और ये नाइन. तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, सेवन एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस नाइन और क्वेश्चन क्या आ गया, एक्स माइनस थ्री. हमारा फाइनली ये ही क्यों रिमाइंडर बना, हम इसको आगे क्यों नहीं डिवाइड कर पा रहे, बिकॉज इसमें डिग्री कितनी आ रही है, वन और यहाँ पे डिग्री कितनी है, टू. मैंने पहले ही बताया था कि अगर डिविडेंड वाले पोर्शन में जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो वाले पोर्शन में डिविजर से ज्यादा छोटी डिग्री हो, आई मीन डिविजर से छोटी डिग्री हुई तो हम वहीं पे रुक जाएंगे या फिर उसके बाद सॉल्व नहीं करेंगे. तो यहाँ पे भी रिमाइंडर ये फाइनल हो गया बिकॉज यहाँ पे डिग्री टू है. अगर यहाँ x टू द पावर टू या टू से ज्यादा होता तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे आगे, लेकिन ये यहीं पे फिनिश होता है. ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, क्या दिया है, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि x टू द पावर 4 है लेकिन x टू द पावर 3 वाला तो गायब है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको पहले रीअरेंज करेंगे. x टू द पावर 4 माइनस या प्लस 0x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. हमने ये लिख दिया, अब इसे अरेंज कर दिया. ये क्या हो गया हमारे पास, p ऑफ x हो गया. अब g ऑफ x कैसा लिखा हुआ है, g ऑफ x लिखा हुआ है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x. इसको भी रीअरेंज करो, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 हो गया. अब हमारे पास दोनों की वैल्यूज है, अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करें. x टू द पावर 4 माइनस प्लस 0 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. ये हो गया हमारा इतना बड़ा डिविडेंड. अब डिविजन करते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. अब x टू द पावर 4 है यहाँ पे और यहाँ पे x स्क्वायर है, हमें सबसे पहले बड़ा वाला ही टर्म को कैंसिल आउट करना पड़ता है जो कि ये फर्स्ट वाले टर्म होते हैं. ओके, तो फर्स्ट टर्म को हम कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x स्क्वायर से. x स्क्वायर करेंगे तभी तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर होगा x टू द पावर 4. ठीक है, फिर x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस x क्यूब. देखो हमारे पास x क्यूब का टर्म नहीं था, जीरो था, जीरो की जगह पे हमने ये लिख दिया है जीरो इंटू एक्स क्यूब. ठीक है, तो अब ये एक्स का क्यूब का पावर वाला आ रहा है इसलिए हम ये पहले ही मेंशन कर चुके हैं. ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर है, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, प्लस साइन है तो माइनस, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब हुआ. अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो गया, फोर एक्स स्क्वायर. बाकी एज इट इज नीचे उतार लो, फोर एक्स प्लस फाइव इतना हो गया. अब इसके बाद क्या करें, अब एक्स क्यूब बनाना है. एक्स क्यूब बनाना है तो सामने वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से. एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया एक्स क्यूब एक्स माइनस एक्स एक्स इंटू माइनस एक्स. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस एक्स. क्लियर है इतना. अब इसको हम
साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा, जस्ट ऊपर वाले के साइन के अपोजिट करना होता है, ठीक है, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये वाले में देखें कि यहाँ माइनस फोर एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस फोर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्लस फोर एक्स और माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस थ्री एक्स और ये हो गया प्लस फाइव। अब हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई के लिए हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ना, लेकिन किसके साथ, माइनस थ्री के साथ, एक्स स्क्वायर तो है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस थ्री के साथ, तो क्या हो गया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स और ये कितना हो गया, माइनस थ्री, क्लियर है इतना। अब फिर से साइन चेंज कर लो भाई, साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया, ये बच गया थ्री प्लस फाइव, एट हो गया, तो एट अब इसका जो एक्स टू द पावर है वो तो है ही नहीं, तो इससे छोटा हो गया, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर, ये क्या आ गया हमारे पास, क्वेश्चन यही था क्वेश्चन में, ठीक है गाइज। इसका थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, आप मुझे पूछिए, मैं आपको जरूर उसका आंसर करूंगी। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ओ माय गॉड, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार और पढ़ के ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस थ्री इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है सेकेंड पॉलिनोमियल, टू टी टू द पावर फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व, पूछ रहा है ये इसका फैक्टर है क्या, और कैसे पूछने के लिए बोल रहा है कि सेकेंड पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके। अब डिवाइड करके हम फैक्टर है या नहीं है कैसे पता कर सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे पता कर सकते हैं हम कि वो फैक्टर है या नहीं। सपोज 12 डिवाइड बाय 4 किया, कितना होता है, 4 वन द 4 4 3 द 12, तो आंसर 3, डिवाइड हो रहा है मतलब वो फैक्टर है, लेकिन 13 भी तो 4 से डिवाइड होता है, कितना आता, 3.25 आता, क्लियर, डिवाइड तो हो रहा है लेकिन 13 तो 4 का फैक्टर, 4 तो 13 का फैक्टर है ही नहीं, तो अब इसका मतलब ये है कि अगर रिमाइंडर हमारे पास जीरो मिले, हमको रिमाइंडर अगर जीरो मिले तो वो फैक्टर है, ओके, जैसे हम 12 को 4 से डिवाइड करें, 12 3 4 3 जा 12 और हमको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, मतलब क्या हुआ, ये फैक्टर है इसका, 12 का फैक्टर है, ओके क्लियर है। तो वैसे ही अब हमको ये देखना है कि ये भी फैक्टर है या नहीं है, तो अब देखते हैं फैक्टर है या नहीं है, क्या करेंगे, डिवाइड करें सेकेंड वाले को, डिवाइड करना तो सीख ही गए हैं हम बड़े अच्छे से, है ना, तो चलो ये 4 का टर्म भी है, 3 का भी है, स्क्वायर वाला भी आ गया, सिंगल टी भी आ गया और कांस्टेंट भी आ गया। अब इसको डिवाइड करना है किससे, टी स्क्वायर माइनस 3 से, वेरी नाइस, करते हैं। अब डिवाइड करो, पावर 4 चाहिए, इसमें 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टी स्क्वायर से, तो ये कितना मिल जाएगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4 और ये 2 टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के नीचे लिखे माइनस 6 टी स्क्वायर, ओके अब ये माइनस साइन हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, अब ये इसको एज इट इज लिख दो, 3 टी का पावर 3 माइनस, अब ये क्या हो गया, प्लस साइन तो आएगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस 6 है, माइनस 6 वाले के में साइन चेंज हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, क्लियर। अब फिर उसके बाद देखते हैं अब क्या करें, अब ये टी टी क्यूब चाहिए, तो मतलब सिंगल टी से तो करना है लेकिन साथ में 3 भी चाहिए, 3 टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टी इंटू टी स्क्वायर 3 टी टू द पावर 3, अब क्या होगा, माइनस 3 इंटू 3 टी, मतलब क्या हो गया, माइनस 9 टी, क्लियर है, ओके अब इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं, ये माइनस साइन चेंज, माइनस है तो प्लस साइन चेंज, ये भी कैंसिल हो गया, बचा कितना, 4 टी स्क्वायर माइनस 12, ओ माय गॉड बहुत कम बच गया अब तो। अब टी स्क्वायर और 12
इसको कैंसिल आउट करना है ये फर्स्ट वाले को, तो हमको देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 4 करना ही पड़ेगा. तो अब हम 4 कर दे मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू टी स्क्वायर, तो कितना हो गया 4t स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12. तो ये भी माइनस करके कैंसिल, ये प्लस करके कैंसिल, मतलब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया हमको 0. मतलब क्या हुआ, ये फैक्टर है, समझ में आया. दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, हम ये डिवाइड करके देख चुके हैं. गाइज आई होप दिस इज क्लियर नाउ. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है, डिवाइड करना आप लोगों को सिखा दिया है, बाकी दोनों आप ट्राई करिए. जो भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी. ओके और फिर क्वेश्चंस भी कम है तो आप लोग के प्रैक्टिस के लिए भी कुछ तो होना चाहिए ना, कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से. ओके तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, तो यस दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस. ओके डिविजन इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड, क्लियर है. तो ये यस आएगा फर्स्ट का आंसर, क्लियर है ना. तो फिर ऐसे अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. इन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है. ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन इफ टू ऑफ इट जीरोस आर गिवन दिस एंड दिस. ओ माय गॉड, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, क्यूबिक में कितने जीरोस थे, 3, क्योंकि उसका हाईएस्ट डिग्री क्या था, 3. अब हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है, 4 है, तो इसके कितने जीरोस मिलेंगे हमको, 4 मिलेंगे. ये क्लियर हो गया होगा आई गेस, ठीक है. तो देखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं. 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, क्लियर है. ये एक इक्वेशन है, अब इसके दो जीरोस दिए हुए हैं, रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3. ये दो इक्वेशन था गया. अब हमको हमने क्या देखा था, जब एक जीरो दिया हुआ था और हमें क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन का आंसर निकालना था, ठीक है, दो जीरोस निकालने थे, एक दिया होता, तो हम इसको क्या लिखे थे, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करके ही x इक्वल्स टू 1 मिलता है, ये पढ़े थे हम. तो हमें ये पता चला था कि x माइनस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा ऑफ उस फंक्शन का, क्योंकि वहां पे एक जीरो दिया होता. अब यहाँ पे दो जीरोस दिए हैं, तो अब इसको कैसे लिखें, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस रूट ओवर 5/3 इसके लिए, ओके और इसके लिए x माइनस नहीं प्लस रूट ओवर 5/3. जो साइन इधर होता है उसका अपोजिट साइन ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इक्वल टू जीरो लिखने के बाद वो उधर जाके क्या होता है, साइन चेंज ही होता है, इसलिए, ठीक है. अब इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, ये x मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या हो गया x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना आते ही होगा ना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस फर्स्ट, फिर उसके बाद इसी को इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, लिखती हूँ फिर मैं डायरेक्टली आंसर ही लिखती हूँ, ठीक है. चलो x स्क्वायर प्लस 5/√5/3x माइनस 5/3x माइनस 5 इंटू दिस. अब हमको क्या पता है, रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू करेंगे तो कितना होता है, रूट टू क्या होता है, 2. रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है, 3. क्या होता है, अगर दो रूट वाले मिल जाते हैं सेम नंबर के तो वो सिर्फ नंबर आंसर करते हैं, रूट में नहीं रहता है. तो ये वाले में वही केस दिख रहा है, अंडर रूट में 5/3 है और ये भी 5/3 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम डायरेक्टली 5/3 लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही बता दिया, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर बच गया. क्या मिल गया हमको, एक दोनों जीरोस को मिला के हमने एक क्या बना लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बना लिया. अब इसको हम एज अ डिविजर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एज अ डिविजर यूज करेंगे. ओके तो चलते हैं अब डिविजन के लिए. ओके नाउ वी हैव दिस, नाउ वी हैव टू डिवाइड द होल इक्वेशन. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और x का टर्म है नहीं, तो हम देखते जाएंगे कैसे कर सकते हैं. यहाँ x टू द पावर 4 है, तो 4 लाने के लिए हमको पहले ही x स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन 3 भी है तो क्या करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई. 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 3x टू द पावर 4 और इधर x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे आएगा माइनस क्या होगा, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर. 3 गेट कैंसिल, तो कितना बच गया, माइनस 5x स्क्वायर, क्लियर, 5x स्क्वायर हो गया. तो अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, क्या होगा, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया और यहाँ क्या होगा, ये फिर ये हो जाएगा प्लस
3x square. और ये as it is लिखेंगे यहाँ पे 6x cube. बाकी को उतार लो नीचे ऐसे ही. चलो ठीक है, इतना हो गया. अब इसके बाद यहाँ पे 6x क्यूब है. अब 6x क्यूब करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 6x से, तभी ये 6x क्यूब हो पाएगा. 6x क्यूब, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 6x, 3 1 3 2 कितना हो गया -10x. ओके 5 2 10, क्लियर है. अब ये 5 2 10x हो गया. अब यहाँ पे फिर साइन चेंज कर लो, प्लस था तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस. ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया. यहाँ क्या बच गया, 3x स्क्वायर माइनस 5 बच गया. अब माइनस 5 बच गया तो अब क्या करें इसमें, 3x स्क्वायर, तो फिर हमको डायरेक्टली सिर्फ क्या करना है, प्लस 3 करना है. तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस, अब क्या होगा, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 कैंसिल, कितना बच गया, सिर्फ 5 बच गया. तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सेम सेम आ गया ना, तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया. तो रिमाइंडर हमारे पास क्या गया है, 0. हम वैसे तो जनरली क्रॉस करते हैं लेकिन 0 भी लिख सकते हैं, क्लियर है. अब हमारे पास दो चीजें हो गई, एक ये और एक ये हो गया, एक रिमाइंडर, एक कोशेंट हो गया और एक क्या हो गया, डिविजर हो गया. तो हमारे पास ऑलरेडी दो रूट तो है, ये वाला और ये वाला, रूट ओवर 5/3 माइनस रूट ओवर 5/3, क्लियर है. अब हमको पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे वैल्यूज को निकालते हैं, हमने निकाला है पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. तो हम इसको पहले 3 कॉमन निकल रहा है तो 3 कॉमन निकाल देते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया. अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन है, x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1, स्प्लिट हो गया ये, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, ये इसके सामने का 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 ही चाहिए था, तो 1 चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन में तो 1 आना चाहिए और एडिशन में 2x आना चाहिए, हो गया ये स्प्लिट. तो अब क्या हो गया, ये x कॉमन आया, x प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 1 रहा और ये क्या हो गया, x प्लस 1. इतना क्लियर है होगा सबको, हमने स्प्लिट किया है, स्प्लिट करना तो हम सीखे ही है, क्लियर. तो अब ये 3x प्लस 1 और x प्लस 1, ये आ गया इस इक्वेशन के कारण. और ऑलरेडी हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 5/3, जो कि कुछ नहीं बल्कि हमारे पास दो रूट से आए थे, x माइनस रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3, क्लियर. ये दो तो हो गए और ये दो भी हो गए, तो हमारे पास चारों रूट्स मिल गए हैं आई गेस, अब है ना. ये 3 तो कांस्टेंट है और कुछ नहीं, तो इसके कारण हमारे पास रूट कितना आ जाएगा, इसके कारण आ जाएगा -1, इसके कारण आ जाएगा -1, दो रूट हो गए जो हमें निकालने थे, और ये दोनों तो वो है जो हमें गिवन थे, तो ये इसके कारण क्या आ जाएगा, प्लस रूट ओवर 5/3, इसके कारण आ जाएगा माइनस रूट ओवर 5/3. दीज आर द 4 रूट्स ऑफ दैट 4 डिग्री इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय द पॉलिनोमियल g ऑफ x, द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड g ऑफ x. क्या फाइंड आउट करना है, g ऑफ x, और g ऑफ x को क्या बोल रहा है, डिविजर बताया जा रहा है. क्या बताया जा रहा है हमें, कि g ऑफ x क्या है, डिविजर. अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले ही, दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर. और हमको डिविजर निकालना है तो डिविजर निकालना है, डिविजर की जगह हम g ऑफ x रख देते हैं. बाकी हमको कोशेंट भी दिया है, कोशेंट हमको क्या दिया है, x माइनस 2, रिमाइंडर दिया माइनस 2x प्लस 4, और डिविडेंड तो दिया ही हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, डिविजर निकालना है g ऑफ x. अब लेकिन हमको ये पता है कि इस तरफ अगर हमको इधर के सारे टर्म को उस तरफ शिफ्ट करना है, डिविडेंड के साथ डिविडेंड की तरफ शिफ्ट करना है, तो हमको क्या करने की जरूरत है, हमको करने की जरूरत है डिविडेंड, डिविडेंड को डिविडेंड की तरफ रहने दो क्योंकि हमको g ऑफ x निकालना है. अब ये r यहाँ पे प्लस में है, प्लस है तो इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस r हो जाएगा, क्लियर है. अब यहाँ पे क्या बच गया, g ऑफ x मतलब डिविजर इंटू क्वेश्चन बच गया.
ठीक है. अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा. डिविडेंड माइनस आर अपॉन क्वेश्चन इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स बोल लो या फिर क्या बोल लो, डिविजन बोल रहा हूँ बोल लो. यहाँ पे जी ऑफ एक्स बोला गया है इसलिए हम भी जी ऑफ एक्स लिख रहे हैं इसे. ठीक है, क्लियर है. तो अब देखते हैं कि क्या होगा, इक्वेशन कैसे बनेगा. अब हमको पता है कि डिविडेंड हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू. अब माइनस करना है किसको, रिमाइंडर को. रिमाइंडर क्या है, माइनस टू एक्स प्लस फोर. और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है एक्स माइनस टू. क्लियर हो गया इतना. अब हम क्या करेंगे, जो जो सेम सेम वाले हैं उसको हम एक में ही कन्वर्ट कर लेते हैं पट से. ठीक है, क्या हो गया ये एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला भी कोई नहीं है. अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी एक एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है. पहले तो इसको खोल लें हम, एक्स प्लस टू ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, टू एक्स प्लस टू एक्स हो जाएगा और यहाँ पे माइनस फोर हो जाएगा. ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद अपॉन में तो रहेगा ही वो एक्स माइनस टू पूरे अपॉन में. तो अब ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये वाला x और ये वाला 2x मिला के कितना हो गया, प्लस 3x. ये वाला 2 और ये कांस्टेंट वाला माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2. अब ये हमारे पास क्या बन गया, डिविडेंड बन गया और ये हो गया हमारे पास डिविजर. सिर्फ उस फॉर्मूले से निकाला है, लेकिन ये जो बना है ये किसकी वैल्यू निकल रही है हमारे पास, जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकलेगी. क्लियर है आई गेस इतना, है ना. तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर लें, डिवाइड कर किया जाए. चलो अंदर क्या रहेगा इसमें, डिविडेंड की जगह पे एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू. और डिविजर की जगह पे अब क्या है, यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं. क्लियर है. तो अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. एक्स क्यूब बनाना है तो हमको बराबर है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तभी तो वो एक्स क्यूब बनेगा. एक्स क्यूब बन गया और माइनस टू एक्स स्क्वायर भी बन गया. अब इसको कैंसिल आउट करो, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कितना जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एज इट इज लिख दिया. अब फिर क्या चाहिए हमको यहाँ पे, अब चाहिए एक्स स्क्वायर करना है ना, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए. माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस टू एक्स हो गया. ओके, अब फिर से साइन चेंज, कैंसिल आउट, साइन चेंज, ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस टू हो जाएगा. अब अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा एक्स माइनस टू. फिर से माइनस का साइन चेंज, यहाँ पे प्लस चेंज, ये भी कैंसिल. तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, जीरो. क्वेश्चन कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, जो कि क्या है, नथिंग बट अ जी ऑफ एक्स. आपका आंसर ये होगा जी ऑफ एक्स का. क्लियर है गाइस. क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं क्या है, लेकिन ये एकदम ही बकवास क्वेश्चन है, ना कभी एग्जाम में आया है ना कभी आएगा. बिकॉज यहाँ पे क्या दिया है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब एक बच्चा कुछ एग्जांपल ले रहा है, दूसरा बच्चा कुछ एग्जांपल ले रहा है, तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एक बच्चे के एग्जाम्पल्स को भी चेक करे. इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं. क्लियर है. फिर भी एज अ टीचर मुझे तो पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊंगी. इफ यू वॉन्ट टू स्किप दिस देन यू कैन स्किप इट. ओके, तो फर्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, ये भी देख लेते हैं. गिव एग्जांपल फॉर द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स. हमें पता है क्यू ऑफ एक्स क्या होगा, कोशेंट, आर ऑफ एक्स रिमाइंडर, पी ऑफ एक्स डिविडेंड एंड जी ऑफ एक्स डिविजर, विच सेटिस्फाई द डिविजन रूल, डिविजन एल्गोरिदम एंड दिस, जो कि डिविजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करे और इसको भी. तो फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं कि डिग्री, डिग्री पी ऑफ एक्स, डिग्री हम पढ़ चुके हैं. डिग्री क्या होता है, हाइएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन. तो ऐसा एक पी ऑफ एक्स का फंक्शन लेना है जिसकी डिग्री क्यू ऑफ एक्स के डिग्री से सेम हो. ये तभी पॉसिबल है जब हमारा जो डिविजर होगा, मतलब यहाँ पे क्या दिया है डिविजर की जगह पे, जी ऑफ एक्स. जब हमारा जी ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट, मतलब बिना किसी एक्स वेरिएबल के साथ वाला होगा. ओके, अगर वो कॉन्स्टेंट होगा तभी इनकी जो डिग्री है, पावर्स जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे. क्लियर है. तो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं. अगर मैं पी ऑफ एक्स ले लूं, लेट्स से
3x square minus 6x plus 5 ले लिया. ओके और मैंने फिर ले लिया g of x equals to 3 ले लिया. क्लियर है? Equals to 3. तो अब हम इसको डिवाइड करके देखें तो हमें क्या आना चाहिए, क्वेश्चन की डिग्री और डिविडेंड की डिग्री इक्वल आनी चाहिए. तो डिवाइड करके देखते हैं, 3x square minus 6x plus 5 divided by 3. तो क्या होगा ये x square, तो 3x square. क्लियर? तो ये माइनस कैंसिल आउट, माइनस 6x, माइनस 2x, सॉरी माइनस 2x. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा यहाँ पे आके, तो ये भी कैंसिल आउट. और फिर क्या हो जाएगा, ये 5 लिया ना मैंने, तो फिर प्लस 1 कर लेते हैं. ठीक है, प्लस 3 आ जाएगा, तो ये माइनस साइन हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा. तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, r ऑफ x हो जाएगा जो कि रिमाइंडर है. 3 क्या हो जाएगा, g ऑफ x हो गया है हमारा 3. और ये क्या हो गया, q ऑफ x. q ऑफ x मतलब क्या हो गया, कोशेंट, क्वेश्चन. q ऑफ x कितना मिल गया हमको, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और r ऑफ x कितना मिल गया हमको, 2. ठीक है, तो इससे और इससे तो कोई मतलब नहीं था इस क्वेश्चन में. मतलब ये था बस हमें कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए क्वेश्चन, वो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, मतलब क्वेश्चन की डिग्री और डिविडेंड की डिग्री. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, p ऑफ x मतलब डिविडेंड और q ऑफ x मतलब क्वेश्चन, इन दोनों की जो डिग्री है वो क्या आनी चाहिए, इक्वल. यहाँ पे इक्वल आ गई है. ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते. इफ यू वॉन्ट देन यू कैन डू दिस. गाइस एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल है, तो मैं एक्सरसाइज 2.4 यहाँ पे बता नहीं रही हूँ, बट हाँ इसके आंसर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आपको जो भी डाउट होगा आप उसमें से देख सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं. स्टूडेंट सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, आप ट्राई ज़रूर करिए. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइज अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.